अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि जी आप सब खैर खैरियत से होंगी। आप भी सोच रहे हूँ कि मैं इस वक्त किसके साथ बैठा हूँ, तो ये है मेरे दोस्त, लाहौर में रहते हैं। इंस्टाग्राम पे हो ना जी? इंस्टाग्राम तो ये एक्चुअली मैं कार्स का रिव्यू करते हैं, ये प्रोजेक्ट वगैरह करते रहते हैं। अभी जब मैं लाहौर पे पहुंचा ना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनसे मिल लिया जाए। तो हम फिर साथ ही घूम रहे हैं आपके सामने। और सुनाएं, ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। थोड़ा सा गाड़ी का काम था, मैंने कहा यार मुझे नॉलेज तो है नहीं गाड़ी की, तो आप मुझे ना यहाँ से करवा दो। यहाँ पे वो क्या है, साइकिल मोटर से जी। वो हमने करवाया है और फिर हम जा रहे हैं अभी। वो मैंने सुबह से नाश्ता नहीं किया था, तो नाश्ता करते हैं कहीं पे जाके। वो 11 बजे मैं निकला था ना घर से, अभी 2 बजे दोपहर। तो भाई देखो, ऐसी भी दोस्ती हो जाती है कि बंदा आपको जान ना पहचान, ठीक है, अगर आपने एक बार मिल लिया ना, तो मतलब मैं इनसे फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, मुझे कोई ऐसा नहीं लगा कि मैं इनसे फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ। पॉजिटिव नेचर के बंदे हैं। तो हम इधर डिफेंस में घूम रहे हैं, डिफेंस में है कोई नहीं हमारा, लेकिन हम ऐसे ही घूम रहे हैं। देखने लाहौर कहते हैं ना, बत्तियां देखनी है, तो मैं बत्तियां दिखा रहा हूँ इधर लाहौर की। ये हम बत्तियां देखी जा रहे हैं। ये आप चेक करें, ये डिफेंस क्या है फिलहाल, अभी भी ये डिफेंस में, ये डिफेंस का एरिया। बेगम ने कहा था कि जल्दी आना, आप जा रहे हो, तो वो एक्चुअली हमने आज घर जाना था, तो घर नहीं गए, ये काम करवाना था, तो मैंने सोचा कि ये काम करवा लूं। चैनल का नाम बताया आपका? जी गबरू 2.0 के नाम से। लगते भी गबरू ही हैं वैसे। यार ये मुझे कौन सा खाना खिला रहे हैं? ये नाश्ते में, ये हम लोगों का ये नाश्ता नहीं होता, लेकिन हम लोगों के उधर दही लस्सी, ठीक है, पराठे, इस टाइप का होता है। तो आपने कोई फैंसी नाश्ता मेरे सामने रख दिया हुआ है? ये जनाब फैंसी नाश्ता नहीं है, ये टाइम की मुनासिबत के लिहाज से आपको मैं सिर्फ खिला रहा हूँ। तो यार ये बहुत हार्ड है। नहीं हार्ड नहीं है, आप ट्राई करें, लाइट ही है। ट्राई करें आप। चले यार लाहौरी नाश्ता है, अब क्या कर सकते। ये इस चीज़ की मैं आपको स्पेशलिटी बताता हूँ, जो लोग उमरा करने गए हैं उन्होंने अलबैग खाया होगा, तो ये ये समझ लें कि उन्होंने इसको कॉपी किया और ये उस तरह बनाने की कोशिश की। बंद हो गया? नहीं ऑन है। ठीक है, अच्छा, तो ये इन्होंने उस टाइप का बनाने की कोशिश की है, जैसे आपको उसके अंदर सारा इसका सॉस वगैरह मिलता है ना, इसके अंदर भी आपको सेम एजेटिक मिलेगा। चले यार आप देख लेते हैं, अब जब ट्राई करके टाइम मुझे आपको कहते हैं। जी हम भी ट्राई करते हैं और देखते हैं कि किस पानी में है, किस पानी में। मैं जो बात कर रहा था ना स्पेशलिटी, तो आप ये देखिए हमने भी इसकी स्किन ऊपर से उतारी है। हाँ जी। तो इसके अंदर तक ये मसाला आपको नजर आ रहा है, ठीक है, तो इसी तरह आप जिस तरह भी कर लेंगे, देखें ये अंदर तक सारा इसके जूसेज और इसका जो भी इसके अंदर मसाला लगा है वो अंदर तक इन्होंने इंजेक्ट किया होता है इसके अंदर, तो इसका जो सा टेस्ट है इस वजह से बन रहा है। और ये इनकी गार्लिक सॉस भी स्पेशल होती है ना, बनाया प्यासे में। माशाल्लाह क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त जूसी फुल ऐसे कर लेते और ग्लास ऐसा वसूल हो रहा है। सोहन की आज बर्थडे है ना, तो बर्थडे के लिए यहाँ से हमने केक लेना था, तो भाई ने बताया कि यहाँ पे लेयर्स बेक शॉप, ये यहाँ की फेमस है जी। तो ये आप लोग ही बताइएगा बस, मतलब डिफेंस में है ये चीज़, DHA में। तो हम यहाँ से लेंगे जी असुहान का केक और आज उसकी बर्थडे मनानी है यार। अस्सलाम वालेकुम। क्वालिटीज तो बहुत हैवी पड़ी हुई है, छोटे भी है ना, वो बड़े लेने हैं। नहीं नहीं बड़े लेने हैं। अच्छा हाँ हाँ, यानी कि मैंने कहा वो दिखा रहे हैं। तो अभी जी हमने केक ले लिया है और ये रहा केक, और इसके ऊपर हम लिखवा रहे हैं सुहान हैप्पी बर्थडे, मतलब हैप्पी बर्थडे सुहान, समझ रहे हैं, जो भी समझने को लिखवा रहे हैं। बाकी आपको घर जाके दिखाऊंगा कि ये इसकी फाइनल लुक क्या आई है। तो यहाँ से और कुछ भी बहुत पड़ा हुआ है यार, वो नहीं मिलेंगे इधर से, क्या कहते हैं उसको, वो एक साल का हो गया ना, तो उसके ऊपर एक की वो क्या हो, कैंडल, हाँ एक वन यहाँ से मिलेगा, वहीं से मिलेगा। चलो वो आगे जाके ले लेंगे। केक हमने ये फाइनल कर लिया, तो भाई कहते हैं कि यहाँ पे खूबसूरती नहीं होती, टेस्ट होता है, तो मैंने कहा अब टेस्ट भी चेक कर लेते हैं यहाँ। सो के जी मैं पहुँच चुका हूँ घर और मैं केक भी लाया था, तो केक रख दो, थोड़ी देर में हम सुहान का जो है ना वो बर्थडे मनाते हैं, क्योंकि हमने मनाना घर था और हमें जो 30 तारीख है वो यहीं पे होगी, 30 अगस्त को सुहान का बर्थडे होता है। करना पड़ेगा, घर वालों को भी बर्थडे से महरूम नहीं करते हैं हम, यहाँ पे वहाँ भी कर लेंगे, यहाँ पे बिलाल भाई की खुशी के लिए यहाँ करते हैं और घर भी जाकर कर लेंगे। हाँ कर लेंगे, कर लेंगे। और यहाँ पे बर्थडे है और सुहान की बर्थडे, और ये रेडी होने जा रही है, ये अपना सूट है। ये तो बताएं आप इतनी देर क्यों लगा दी? मैं वो अपने दोस्त के साथ था यार, आप कह के गए थे मैं 1-2 घंटे में वापस आ जाऊंगा, बस वो जब दोस्त मिल जाए ना तो फिर ऐसे होता है, वो उसने मुझे घुमाया। अच्छा, घुमाया डिफेंस में लिया, दोस्त राजी हो गया।
हाँ जी हो गया हुआ है। आप अपने इन घर वालों को राजी करो और हम बर्थडे की तैयारी करें। तुम तैयारी करो और वो मैं जाके वो ले आता हूँ, वो कैंडल नहीं होती, वो वन मतलब ईयर का जब बच्चा होता है तो एक वन ईयर कैंडल होती है, वो मैं लेके आता हूँ। इधर से मार्केट में मिल जाएगी मेरे ख्याल से, तो वो वहाँ से नहीं मिली थी। आ जाओ बैलून भी ले लेंगे ना, बैलून के साथ ये होगा कि थोड़ा डेकोरेशन बढ़ जाएगी ना। तो सुहान की पहली बर्थडे तो मैं नहीं चाहता कि उसमें कोई कम्प्रोमाइज़ किया जाए, सुहान की बर्थडे करेंगे इंशाल्लाह बिलाल भाई घर में। और कल का हमारा मूड है कि यहाँ से चले जाना चाहिए, है ना जी? मैं कह रहा हूँ कल का हमारा मूड है कि यहाँ से चले जाएं हम, बल्कि मूड हमारा आई था जाने का, लेकिन बिलाल भाई ने रोक लिया, हमारी आपने रोक लिया कि आपने आपने सुहान की पहली बर्थडे हमारे घर ही करनी है, तो फिर हम जाके रुक गए। तो कोई नहीं, तैयारी करते हैं बर्थडे की और फिर आपसे मिलते हैं। आपकी भाभी रेडी हो रही हैं, ये लड़कियां रेडी होने में ना इतना टाइम लगाती हैं, इतना टाइम लगाती हैं। अब मैं अब बाहर बैठा उसका वेट कर रहा हूँ कि कब तैयारी करे और बुलावा आए कि आए जी मैं रेडी हूँ और ब्लॉग शूट करें। वो बर्थडे करनी है सुहान की, अब तो देरी हो गई है, ये इस वक्त 6:35 हो गए हैं, मतलब कि 6:30 हो गया हमें। तो मैं इधर गेट के बाहर ही आ गया, चरपाई रख के मैं बैठा हूँ। मैंने कहा जब रेडी होना तो मुझे बता देना, तो फिर मैं आ जाऊंगा और शूट कर लेंगे। यार सोसाइटीज़ में ये होता है कि जहां मर्जी चेयर डाल के ना बैठ सकते हो, गेट के सामने बैठ सकते हो, और यहां पे ना इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है इस वक्त, इतना पुरसकून माहौल है सोसाइटी का इधर का। यहां के लोगों की ज़िंदगी ना बहुत ईजी है, और मुझे लगता है कुछ ये घर ना किराए पर चढ़ने वाला है, मुझे ऐसा देख रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना बंदे घर देखने आए हुए हैं, ये चक्कर है, घर को देखे जा रहे हैं, कोई बात मुकम्मल हो रही है कि हम आपसे इतना किराया लेंगे इतना किराया लेंगे। तो ज़्यादातर यहाँ पे ना घर रेंट पे चलते हैं ना, तो रेंट का ही कोई यहाँ पे इनके कस्टमर आ गए हुए हैं। मैंने इधर से दूर से बैठ के खिड़की में देखा, आ गया ना स्वाद। ये बच्चे भी मेरा भी डर गया। हाँ ये भी डर गया, कह रहे मुझे उठाओ। लास्ट वाला सोच से बहुत 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 ज्यादा हैप्पी बर्थडे और मुबारक हो एक साल का हो गया माशाल्लाह। अच्छा इसको भी कोई फर्क पड़ा कि नहीं कर रहा है वो गुस्से में है बस। अल्लाह ताला बहुत ज्यादा चलें जी, सुहान की बर्थडे हमने कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह से और माशाल्लाह से। आज हमारा सुहान जो है ना वो एक साल का हो गया है, पूरे एक साल का माशाल्लाह। अल्लाह ताला इसकी लंबी उम्र, बर्थडे होगी और बर्थडे अल्लाह ताला इसकी लंबी उम्र करे, आमीन सुमा आमीन। और ये ऐसे खेलता रहे और मुस्कुराता रहे, और हानिया हमारी अभी होएगी कोई 4 साल की होगी, चार मतलब चौथी होगी ना, चार मंथ की, 4 साल की हो जाएगी, सॉरी माशाल्लाह 4 साल की हो जाएगी। तो हमारा खाना आ रहा है अभी, हम खाना खाते हैं और उसके बाद जो है ना फिर हम क्या करेंगे, फिर हमें पैकिंग करनी है, कल जाना भी है। हमने कल जाना है अभी पैकिंग करके। ओहो लाइट चली गई यहाँ पे, ये भी है कि लाइट जाती रहती है, तो कोई नहीं मैं टॉर्च ऑन करता हूँ। लो जी हो गई टॉर्च ऑन बाबा जी, हो गई। ये इसके मुंह के ऊपर ना ये चॉकलेट लगाए हमने केक के खिलाते वक्त ना, इसके मुंह के ऊपर चॉकलेट लग गई थी। चॉकलेट केक सुहाने खाया है और ये पहले से बड़ा था। तुम्हारे मुंह के ऊपर पसीना बहुत आता है यार, भाई कुछ आया ना है, गर्मी है ना, और बाहर चलते हैं यार, और चलते हैं। खाना भी आ रहा था लेकिन लाइट चली गई है, खाना बाद में खाएंगे, पहले लाइट का वेट करेंगे, बस 2 मिनट में आ जाएगी मेरे ख्याल से। कितने बजे गई है? 7 बजे गई है, 7:15 पे गई है। ये जितनी देर में फिर लाइट आती है तो उतनी देर में हम खाना खा लेंगे, और ये ब्लॉग भी आप लोगों तक पहुँचाना है। तो आज किस ब्लॉग को हम यहीं पे करते हैं ख़त्म, आप लोगों से मिलेंगे कल एक ताज़ा नए फ्रेश ब्लॉग में। कल हमने यहाँ से निकल जाना है, तो फिर आपके साथ वो ब्लॉग शेयर करेंगे यहाँ से जाने का। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।